क्लास नाइन्थ, नया टॉपिक शुरू करते हैं प्रायिकता। देखो प्रायिकता की वैसे तो बहुत से आपको किताबों में प्रश्न सूत्र मिलेंगे, नियम मिलेंगे, बहुत कुछ किया होता है, लेकिन अपने को वैसे कुछ नहीं करना, सूत्र याद नहीं करना। अभी उसको शॉर्ट में वैसे ही करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एकदम प्रायिकता में होता क्या है, संभावना होती है किसी काम की, किसी भी काम की संभावना होती है उसमें प्रायिकता काम करती है, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी संभावना होती है उसको प्रायिकता बोलते हैं। तो अब सूत्र याद करोगे, असंभव परिणाम होने के, घटना के परिणाम और कुल परिणाम, सीधा कुछ नहीं याद करना। प्रश्न अपने को दिया हुआ है, प्रश्न को अपन ध्यान से पढ़ेंगे और उसको हल करना सीखेंगे, इतना ही काम करना। जैसे मान लो प्रश्न आ गया, एक ठेले में तीन लाल पांच सफेद और चार काली गेंद है, एक ठेले में तीन लाल पांच सफेद और चार काली गेंद है। इस ठेले में से बिना देखे, इस ठेले में से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, ठेले में से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है? निकाली गई गेंद सफेद है लाल है काली है। शुरुआत की स्थिति में माइंड क्या थी बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल टॉपिक है ब्राइक करना। कुछ किताबों में भी लिखा हुआ है, इसे करना करते भी हैं, तो लिखवाते हैं इसका संभावित परिणाम, संभावित घटना का परिणाम बट्टा कुल परिणाम, इसे वो तो लिखवाते हैं। कुछ नहीं करना वैसे आपको, बस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उसकी प्रायिकता याद करनी है, उसको ध्यान रखना है। बहुत सिंपल टॉपिक है। अब जैसे मान लो इसको प्रश्न शुरू करता हूँ, मैं पहले प्रश्न दोबारा पढ़ लेता हूँ एक बार, इसको शुरू करते हैं ध्यान करना। प्रश्न है, एक ठेले में तीन लाल, एक ठेला लिया, उस ठेले में तीन लाल पांच सफेद और चार काली गेंद है। ठेले में डाल दी अपन ने तीन लाल पांच सफेद और चार काली गेंद डाल दी। अब इस ठेले में से बिना देखे एक गेंद निकाली, मतलब देखना नहीं ठेले के अंदर, बिना देखे हाथ डालना है और एक गेंद निकालनी है। इसकी क्या प्रायिकता है? निकाली गई गेंद सफेद होगी, हाथ में जो आएगी वो सफेद होगी, लाल होगी या काली होगी, इसकी प्रायिकता आपको याद करनी है। तो ये संभावना की बात होती है ना, संभावना की बात करें, इसमें हो सकता है वो लाल आ जाए, हो सकता है वो काली आ जाए, हो सफेद आ जाए, ये संभावना की बात करें, बिना देखे निकाली है, संभावना की बात करें, इसकी बात करें संभावना की। उससे पहले लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या कितनी है? तीन। लाल गेंद कितनी है? तीन। लाल गेंद की संख्या कितनी है? तीन। सफेद गेंद की संख्या, सफेद गेंद की संख्या, सफेद गेंद की संख्या
सफ़ेद गेंद कितनी है? सफ़ेद गेंद है 5। सफ़ेद गेंद की संख्या, सफ़ेद गेंद कितनी है? 5। और काली गेंद की संख्या, काली गेंद की संख्या, काली गेंद कितनी है? काली गेंद 4 है। काली गेंद कितनी है? काली गेंद 4 है। खेले में 3 लाल है, 5 सफ़ेद है और 4 काली गेंद है। जोड़ लो कितनी हो गई खेले में, कितनी गेंद हो गई? 12। कुल गेंदों की संख्या, कितनी होगी? 12। खेले में कुल 12 गेंद होगी, मिक्सअप को मिक्स किया हुआ है। अब बिना देखे गेंद निकाली अपने, अब क्या प्रायिकता है निकाली गई गेंद सफ़ेद है? तो निकाली गई गेंद सफ़ेद होने की प्रायिकता, निकाली गई गेंद सफ़ेद होने की प्रायिकता, निकाली गई गेंद सफ़ेद होने की प्रायिकता। तो कोई सूत्र लिखना नहीं है मेरे को, कुछ नहीं करना, सीधा देखो सफ़ेद होने की प्रायिकता कह रहा है। सफ़ेद गेंद कितनी है? 5। सफ़ेद गेंद कितनी है? 5। कुल गेंदें कितनी है? 12। 5/12, ये इसकी प्रायिकता आ गई, बस उत्तर आ गया। सफ़ेद गेंद की प्रायिकता निकाली, सफ़ेद गेंद कितनी है? 5। 5 कितने में से, कुल कितनी है? 12। क्या उत्तर आ गया? 5/12। दूसरा पॉइंट क्या है? लाल है, निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता। अब लाल गेंद कितनी थैले में? 3। कुल गेंद की थैले में कितनी हो गई? 12। लाल गेंद की कुल कितनी हो गई? 12। कट रहा है क्या? देखो ये कट रहा है, काट दो उसको। 3 × 3 = 12। निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता, क्या आ गई? 1/4। क्या आ गई? 1/4 आ गई। तीसरा पॉइंट क्या है? काली है, निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता, निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता। अब काली होने की प्रायिकता, काली गेंद कितनी है? 4। कुल गेंद कितनी है? 12। क्या आ गया? 4/12। तो 4 के बड़े 12 आता है, 3 बार में कट रहा है, काट दो उसको। 4 × 4 4 × 12। 4 के बड़े 12, 3 बार में काट दिया अपने उसको, ठीक है? ठीक है, 3 बार निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता, निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता। क्या ऊपर 1/3, क्या प्रायिकता आ गई इसकी? 1/3। ये देखो बाकी सिंपल प्रायिकता, एकदम कुछ नहीं करना पड़ा मेरे को, सिंपल साधारण सवाल दिया हुआ था उसको हल करना है। प्रायिकता में कुछ भी दिया हुआ नहीं होगा, कुछ उत्तर याद नहीं करना आपको, बस सिंपल सा प्रश्न करना है। आज शुरुआत किए इसलिए एक प्रश्न करेंगे, फिर इसके बाद प्रश्न करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।